वाराणसी से बजरंग बली तिवारी की खास रिपोर्ट। त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से चुनाव पर वार्ता करते हुए पत्रकार बजरंग बली तिवारी, ग्रामीण इलाकों में युवा, बेरोजगार व बुजुर्गों से चुनाव के मद्देनजर विशेष वार्ता। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा, जो 26 करोड़ रघुवंशियों का कहीं ना कहीं गाइडेंस करती है और रघुवंशियों के लाइन लड़ा खड़ा करती है। रघुवंशियों के नहीं, हम अदर बैकवर्ड और गरीब तबके के जो हमारे फॉरवर्ड स्कूल के लोग हैं उनकी मदद करते हैं। और हम अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजेंद्र यादव जी कहने पर, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान राज बहादुर यादव बाबू जी कहने पर, भाई सुभाष यादव की जो धर्म पत्नी चुनाव लड़ रही है प्रमिला यादव जी, उनको जो भी सेक्टर नंबर एक की आपके जो चोलापुर ब्लॉक का सेक्टर नंबर एक है जहाँ से वो महिला प्रत्याशी हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका परस्त और जो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कहा जाए बड़े बिगड़े किस्म के लोग होते हैं, जो कहने के तो कहते हैं कि मैं समाजवादी हूँ, मैं फला हूँ ढिकाना हूँ, लेकिन वो समाजवाद जानते नहीं। समाजवाद क्या है वो अपने नेता कभी कभी मानते भी नहीं। जब पैनल हमारी समाजवादी पार्टी ने प्रमिला यादव जी को दिया, तो ऐसे किसी को लोगों को अगर वास्तव में समाजवादी विचारधारा है उनकी, वह माननीय मुलायम सिंह यादव विश्वास रखते हैं, अखिलेश यादव जी भी विश्वास रखते हैं, और लोहिया जी विश्वास रखते हैं, अम्बेडकर जी विश्वास रखते हैं, तो अपने मुखिया की बात को मानना चाहिए। वह कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और जब ऐसा हो नहीं पाएगा, यादव और बैकवर्ड जितना समाजवादी कुनबा और समझदार है कि प्रमिला यादव ही हमारी प्रत्याशी हैं। अब पूरा वार्ड नंबर एक का जो मतदाता है, मैंने क्षेत्र में घूम के देखा, कई जगह बात किया, हमारे मित्र हैं पांडे जी, आशुतोष पांडे जी जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात किया अभी एक घंटे पहले, उन्होंने बताया सुभाष भाई का चुनाव निकल रहा है, निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और विपक्षी तरह तरह के अफवाहें फैला रहे हैं, जनता को इससे सावधान होना है, ग्रामवासियों को सावधान रहना है। और सुभाष यादव को वह व्यक्तित्व है, जिनके भाई हमारे बड़े परम मित्र हैं, अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा में आपके प्रदेश सचिव हैं जितेंद्र यादव जी, जितेंद्र यादव से बात हुई कि भैया ऐसे ऐसे हालात में कहा सर घबराइए, हुआ जनता आज की बहुत जागरूक है, वह अपना भला बुरा जानते हैं। सुभाष यादव प्रमुख सरकार के जितने भी गाइडलाइंस हैं सब फॉलो कर रहे हैं, और बाकी जनता समझदार है, और जो मौका परस्त लोग आए हैं राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, कुछ गुंडे किस्म के भी लोग जो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को बनाने का काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र की जनता समझदार है, बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, और लड़ाई हम जीत रहे हैं, कप और प्लेट जीत रहा है। कल मतदान होना है और कोरोना का जो है कि विषम परिस्थितियां चल रही हैं, कि आप जनता से किस तरह से अनुरोध करेंगे कि वह मतदान स्थल पर जाए और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? मतदान स्थल पर जनता, देखिए चुनाव है और चुनाव में जो प्रक्रिया हमारे संविधान में लागू है, यह एक प्रकार से महापर्व है, कोरोना काल है, महामारी है, स्वाभाविक सी बात है, लोग मर रहे हैं और बड़ी भय है लोगों में। सबसे पहले 2 गज दूरी मास्क जरूरी, जो हमारा पोलिंग बूथ हो वहाँ लोग जाए, दूरी बना के रहे। आप लोगों की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और शासन प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है? शासन प्रशासन का जो सहयोग है वो समझित लगभग सही है, केवल हमको अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से कोई दंगा फसाद ना हो, मारपीट ना हो, झगड़ा ना हो, और बैमनस आपसी बैमनस न हो, उसको भी देखते हुए 2 गज की दूरी बनाते हुए मास्क पहने, हम अगर मास्क नहीं है गमछा एक ने मुँह में रखें और जाकर अपना मतदान सीधा अपने घर चले, वहाँ पर अपना भीड़ नहीं लगाना है, जो हमारी सरकार कर रही है ठीक कर रही है। और बाकी सहयोग जनता का जो भी रहा सब अच्छे चल रहा है। यह भी देखने को मिला है कि कुछ ऐसे भी समाज में लोग हैं जो चुनावी माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक कोई नई व्यवस्था नहीं है, कोई नई बात नहीं है, जितने भी चुनाव होते हैं
ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जिसमें असामाजिक तत्व ना हो, कोई ना कोई जरूरत है। अब कई बार हम मौका परस्ती और अपने गलत बयानबाजियों से कई जगह ऐसा देखने को मिला, चुनाव को थोड़ा बहुत प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पढ़ लिख रहा है, पढ़ा लिखा है, हमारी महिलाएं भी शिक्षित हो गई हैं, किसान भी अपने बेटों को पढ़ा रहा है, तो बदलाव बहुत तेजी से होगा। अब जो लोग हैं अराजक तत्व लोग हैं, इनको जनता अच्छी तरह से जानती है, पब्लिक जानती है हमें क्या करना है, पब्लिक अपना मूड बना चुकी है। और सुभाष यादव हो, मितेंद्र यादव हो, जितेंद्र यादव हो, यह एक ऐसा परिवार ही रहा, हमेशा पब्लिक के बीच में रहा है और जनता के बीच में रहना इनकी फितरत है। और प्रमिला यादव जीत के जाएगी यह निश्चित है कि वार्ड संख्या एक से बड़ा उसका चेयरमैन चुना जाएगा। और मौका पर लोग जो हैं जो फितरबाजी करते हैं, झूठे बोला डंडा झंडा लगा लीजिए, उनका ना कोई पढ़ रहे ना कुछ है, फिर भी बंगाल चाप रहे हैं, खराब होने का ना उससे कुछ होने वाला नहीं है। सारे के सारे लोग प्रमिला यादव को लाइक कर रहे हैं, इनकी जो अराजक तत्व है अनाप शनाप बोलेंगे, पब्लिक को गुमराह करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वार्ड संख्या की जितने भी मतदाता हैं, हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब एक बार अपनी बेटी अपनी बहू प्रमिला को मौका दे, और प्रमिला निश्चय ही उनके जितने भी उनकी मानसिकता को सोचे कि हमारा एक काम हो जाए, विकास होगा, उसमें खराब करेंगे, मेरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं। मैं सुभाष यादव, ब्लॉक प्रमुख शोलापुर वाराणसी। कल किस तरह की घटना घटी आप लोगों का जब जनसंपर्क अभियान चल रहा था, तो ये आप हमें दर्शकों को अवगत करें। कल चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन था, शाम को जब प्रचार प्रसार बंद हुआ तो हमारे दिमाग में आया कि हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, तो एक यहीं पे विजय हॉस्पिटल है, उस पर मैं चला गया चेकअप के लिए। मुझे चेकअप कर लेंगे तो डॉक्टर बता देंगे क्या है क्या नहीं है। जब मैं चेकअप करवा रहा था, उसके बाद हमारे ड्राइवर का फ़ोन मेरे पास आया कि कुछ लोग आए हैं विरोधी पार्टी से जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं डिग्गी खोलिए। हमने कहा वो कौन होते हैं डिग्गी खोलने वाले, या उनको कौन कौन अधिकार दे दिया हमारी गाड़ी चेक करने का। तो उसके बाद हमने बोला कि आप रुकिए, मैं फिर आ रहा हूँ। तो मैं जब अंदर से बाहर आया, और उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैं देखा कि विरोधी पार्टी के लोग काफ़ी लोग खड़े थे, तो अपना गाड़ी में हम बैठे, जैसे ही निकलने लगे तो वो लोग उन लोगों ने मेरी गाड़ी को रोका, तो उन्होंने बोला कि बहुत बुरा हो जाएगा। हमके यार क्या हुआ, नाम बता दीजिए, क्यों बुरा हो जाएगा। लोग थे वो धर्मेंद्र यादव हमारे विरोधी के साथ सहयोगी हैं, और उनके जो समर्थक थे उनके चाचा के लड़के राकेश यादव, एक दो लोगों का नाम हम सब लोगों का नहीं जानते, लेकिन राकेश का नाम हम जानते हैं। तो वो सारे लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और कहे बोले कि बहुत बुरा हो जाएगा। हमने क्या कहा कि हुआ क्या, क्या उक्त मौके पर आपने प्रशासन को अवगत किया अपने तरफ से। अभी तो अब जैसे मैं गाड़ी से निकला तो मुझे तो खुद नहीं पता था कुछ कि क्या हो रहा है। हमने पूछा कि यार क्या बुरा हो जाएगा, बोले कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपनी गाड़ी चेक करवाइए, अपना डिग्गी खोलिए। तो हम कहे यार आप कौन होते हो मेरी डिग्गी चेक करने वाले, अगर डिग्गी चेक करना है गाड़ी चेक करना है तो प्रशासन चेक करेगा ना। तो उसके बाद सब कहे कि गाड़ी हम नहीं जाने देंगे, पुलिस आएगी चेक करेगी तो होगी। हम कहे ठीक है पुलिस आएगी चेक करेगी, साइड अपना लगाने लगे, साइड लगाने लगे तो सब गेट और गाड़ी पे लात से मारने लगे, गाली गलौज करने लगे, बद्दी बातें करने लगे। तो हमने कहा यार ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, हम ऐसी राजनीति के पक्ष में रहते नहीं हैं। तो बहुत अनाप सलाम बोलने लगे। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी से उतर के हम बाहर खड़े हो गए, और उसके बाद उन लोगों ने कहा मैं पुलिस को बुलाया हूँ, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। हम कहे ठीक है भाई, प्रशासन आएगी गाड़ी चेक करेगी, अगर ऐसा कुछ होगा, अगर हम दोषी होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। प्रशासन उस समय आई, गाड़ी चेक की तो गाड़ी में कुछ नहीं था। जब गाड़ी में कुछ नहीं था तो उल्टा उन लोगों को अपना पुलिस वाले प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है विरोधियों के खिलाफ, या आप हमें बताएं। प्रशासन आई, हमारी गाड़ी चेक की, गाड़ी चेक करने के बाद उन लोगों को यहाँ से जब कुछ नहीं निकला तो उन लोगों ने कहा कि यार प्रतिष्ठित व्यक्ति को तुम बेइज्जत कर क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है, ऐसा करने का क्या मतलब, तुमको कौन अधिकार दिया। और उसके बाद उन लोगों ने दरोगा साहब ने यशु साहब ने उन लोगों को गाड़ी में बैठाया, चार पाँच लोगों को, बाकी लोग भाग गए। धर्मेंद्र और उनके समर्थक जो भी थे वो भाग गए, चार पांच लोग मौके पर मिले तो उनको अपनी गाड़ी में उन्होंने बैठाया और चले गए। बल्कि हमने यहाँ तक भी कहा कि जाने दीजिए, गलतियाँ हो गई इनको छोड़ दीजिए। यशो साहब ने कहा कि ऐसे नहीं होता है प्रमुख जी, गलतियाँ होती हैं, इसका मतलब फिर नहीं कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की गाड़ी पीटें, गाली दें, ये सब करना अच्छी बात तो नहीं ना है। तो फिर हमारी बातों को दरोगा साहब ने नहीं सुना और उनके चार पाँच आदमियों को ले गए थाने।
उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं। आप अपना परिचय बताएं। मैं हवलदार यादव, अध्यक्ष राशि लोकदल काशी क्षेत्र। चुनाव प्रचार कल शाम को थम चुका है और प्रत्याशियों के जितने भी मेहनत किए हैं लगातार, कल जो है कि चुनाव होना है, इस पर आप समाज से क्या कहेंगे? समाज से यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का एक प्रकार का गठबंधन है और राष्ट्रीय लोकदल ईमानदारी के साथ जी जान लगा करके समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी प्रमिला यादव जी को जिताने के लिए एक संदेश अपने तरफ से भी दिया, कह के सुन के जाके दूरभाष से जहाँ तक बना ईमानदारी के और लोगों का स्नेह प्यार भी मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की रुझान घटी है, सारे वादे समान भारतीय जनता पार्टी के झूठे हुए। यह चुनाव एक रिहर्सल है, आगे का चुनाव जो 2022 होगा वो फाइनल होगा। इसी में अवकाश समझ में आ जाएगी सबको कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन यानी चौधरी जयंत जी और अखिलेश जी कि यह जो मिलाप का जो गठबंधन है यह भारतीय जनता पार्टी को कितना 2022 में पीछे छोड़ेगा। बहुत सारी बिंदु हैं समाज में किस तरह का आने वाले समय में बदलाव होगा, या आप हमारे दर्शकों को अवगत करें। तीसरी चुनाव प्रक्रिया जो है कि थम चुकी है और कल चुनाव होगा। चुनाव सब लोगों को मन लोगों ने मन बना लिया है कि हम समाजवादी ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का भरपूर काम अपना करेगा। भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी खिनता आ गई है। बेरोजगारी हराने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बेरोजगारी चली गई पाताल में, महंगाई आसमान में हो गई। बीच में अगर महंगाई से बेरोजगारी को घटाया जाए तो गरीबी मिलती है शेष। और दूसरी बात है कि प्रोडक्शन के दो ही साधन हैं, एक खेती है और दूसरा मिल कारखाना है। मिल कारखाने में जो भी उत्पाद पैदा होता है उसका मूल्य पूंजीपति निर्धारित करता है। अगर 20,000 रुपये का लोहा मिलता है तो 120,000 की गाड़ी बेची जाती है। देखिए, अगर किसान जमीन से अनाज पैदा करता है तो उसकी दाम उसकी कीमत सरकार निर्धारित करती है। यह एक इस देश की विडंबना है। कृषि प्रधान देश जहाँ किसान देश की रीढ़ हो और वहाँ पर किसान के सारी योजना क्या की बात कही जाती हो, काम नहीं। किसान की बात कही जाती है, किसान का काम नहीं किया जाता है और उसका उसके मूल्य का उसके लागत का जो मूल्य भी नहीं मिलता है, मेहनत की मजदूरी भी नहीं मिलती है और पारिश्रमिक भी नहीं जोड़ पाता है अपने अनाज के ऊपर। केवल अनाज का अब यही सोच लीजिए कि 6 रुपया किलो आलू बिक रहा है, 60 रुपया किलो आलू खरीद करके किसान बोया है। यह जग जाहिर है कि जब बुआई का समय था तो आलू की कीमत 60 रुपया किलो, और जब बेचने का समय किसान को आया तो आलू की कीमत 6 रुपया किलो। कोरोना काल का दौर चल रहा है और कोरोना काल के दौर में सरकार के पास इसको रोकने का कोई इसके पास योजना नहीं है। 300 करोड़ रुपया में पटेल जी की मूर्ति बनती है। अगर 300 करोड़ रुपया में 300 करोड़ रुपया में सरदार पटेल जी की मूर्ति बनती है, अगर 300 करोड़ रुपये की ऑक्सीजन और अस्पताल बना दिया गया होता हमारे यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो ऑक्सीजन से मर रहे हैं, सड़कों पर पैर पीट पीट कर मर रहे हैं लोग, इनकी सुरक्षा वहाँ हो जाती और उनको कहीं भर्ती होने की जगह मिल जाती। पता नहीं कितने मरीज आज इस समय हैं जो गांव में अपने खटिया पर चारपाई पर हाथ पर पीट रहे हैं, ना उनके लिए अस्पताल है, ना उनके लिए कहीं ऑक्सीजन है, ना कोई डॉक्टर देखने वाला है। ओपीडी 7 जनपदों में बंद हुई, जिसमें एक जनपद बनारस है। आगरा, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर और बनारस, गोरखपुर की सारी ओपीडियाँ बंद कर दी गई हैं। जो महानगर हैं, महानगरों में तमाम बीमारियों की हकदम ताज़ा लगा हुआ है। और बनारस तो समझे कि इस समय महाराष्ट्र से भी बढ़ गया, मध्य प्रदेश से भी। लखनऊ और बनारस या उत्तर प्रदेश में सबसे बीमारी हासिल होने के बाद समाज में किस तरह से आप लोगों के माध्यम से विकास किया जाएगा, या आप दर्शकों को अवगत करें। देखिए, अगर चुनाव में जीत हासिल होती है तो यह जिला पंचायत का चुनाव है। जिला में जब आदमी चेयरमैन होता है
तो योजना वहाँ वहाँ मनाई जाती है, जिला पंचायत के मेंबर की घर पर योजना नहीं बनती है, योजना तो जिला पंचायत के कार्यालय मुख्यालय पर बनेगी। एक सोच है कि पहली बात हो जाएगी कि जो कोरोना काल में बीमारी है इसको रोकने के लिए कैसे क्या किया जाएगा। कल चुनाव होना है और जनता से आप किस तरह से अपील करेंगे कि कितनी सुरक्षा के तहत जा करके वो जो है कि चुनाव करें? हम सब लोग मास्क लगावें, दूरी बराबर बनाए रखें, और दूरी बराबर बना करके जो दो गज की दूरी है और मास्क का इंतजाम है वो मास्क लगा करके जाएं, आज अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतदान करें और अच्छे प्रत्याशी प्रमिला यादव को वोट करें और इनको जिता करके जिला मुख्यालय भेजने का काम करें। जिला पंचायत भी जाएंगी तो इस क्षेत्र के चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे बीमारी का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे यहाँ की कृषि संबंधी व्यवस्था का सवाल हो, जैसे भी होगा, और यहाँ के पानी कल सड़क जो भी है जहाँ सब पर यह योजना बनाई जाएगी, ये बना करके इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा और अमनचल खुशहाली लाने के लिए हर भरपूर प्रयास श्री परमिला यादव जी करेंगी।